लगदा तू मनु भूल जाना जे तू किता चिट मनु महरुल जाना तेरे बिन ता एक पल भी ना रह पावांगी मैं जे तू ना मिले ता सिंगल रह जावांगी मैं नहीं जाना Kumar and welcome to yet another brilliant episode of Indie Hai Hum Season 2. और ये song जो मैंने अभी perform किया नहीं जाना मेरे दिल के बहुत करीब है. It's a Punjabi folk song जिसमें हम एक twist लेके आए to give it a new age funky vibe with the champ himself Tanishq Bagchi जो आज के show में हमारे guest भी हैं. His music graph has been exemplary. And now we all love his song. तो उनसे खूब सारी बातें होंगी. But for now, let's get into the spirit of independent music with T-Series and Red FM's Indie Hai Hum. एक ऐसा शो जो independent artists की आवाज बुलंद करेगा और साथ ही साथ इन artists को और उनके music को दिलाएगा recognition. देखिए बात simple है. एक artist को audience के अलावा क्या चाहिए? So अगर आप हैं एक independent musician तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू एंड यू माइट सून बी ऑन आवर शो जस्ट लाइक एमसी हीन जिनसे हम अभी कनेक्ट करने वाले हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट दिस टैलेंटेड म्यूजिशियन. कौन है ये? लेट्स फाइंड आउट. एक होते हैं ड्रीम्स और फिर आते हैं हेवीवेट ड्रीम्स. ये जो दूसरी वाली कैटेगरी होती है ना हेवीवेट ड्रीम्स वाली, इसको अचीव करने में लगती है मेहनत. हमारे आज के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एमसी हीम ने इसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने सपनों को सच करने निकल पड़े. कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड ना होने के बावजूद उत्तराखंड के हेमंत को अपने दम पर इंडिया के रैप सीन में जगह बनानी थी. ये काम बहुत चैलेंजिंग था लेकिन जब इरादों में वजन होता है तो हर ड्रीम रियलिटी बन ही जाता है. हेमंत के साथ भी यही हुआ जब एआर रहमान के साथ हॉकी वर्ल्ड कप का स्टेज शेयर करते हुए उन्हें पूरी दुनिया ने देखा. और अगर आपको लगता है कि दिस इज इट, हमारे आज के इंडी आर्टिस्ट के ड्रीम्स की टू डू लिस्ट काफी लंबी है. प्रेजेंटिंग एमसी हीम ऑन इंडी है हम सीजन 2. वाओ, दिस जर्नी साउंड्स अमेजिंग. आई कांट वेट टू मीट द हीरो ऑफ दिस जर्नी एंड दैट इज MC Heem, aka Hemant Dayani, जो अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. Amazing to have you on my show today. A huge and a warm welcome to you, MC Heem. Thank you so much for calling me here. आपने AR Rahman sir के साथ perform किया है. Such a huge achievement. मुझे उसके बारे में सुनना है. कैसे हुआ? And how was the experience with you know performing with AR Rahman sir? Sir ke saath I met sir through there was one sir, he's no more with us now, Sameer sir. So
his company name Kyuki, उनके Kyuki नाम के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी है, उन्होंने मेरे को बोला कि रहमान सर वोकल टेस्ट ले रहे हैं रैप आर्टिस्ट के लिए, सो जाना है वहाँ पे ट्राई करना है. तो मैं उस टाइम पे इतना सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँ कहीं जाके, मैं खुद से आई वॉज फाइटिंग विद माई सेल्फ. बट देन आई थिंक इट वॉज मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं गया. सो फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें मैं फेल हो गया था. सो फर्स्ट जो स्क्रीन टेस्ट होता है, मैं वोकल टेस्ट में फेल हुआ, सेकेंड टेस्ट में भी फेल हुआ, एक और हुआ, फिर वापस बोला करना है टेस्ट, करना ट्राई करना, मैंने कहा ठीक कर लेते हैं. विद इन थर्ड मे आई मेड इट, आई वेंट टू हिज स्टूडियो, मेरे को सीधा सर ने स्टूडियो में बुलाया, क्या था कि ठीक है ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं. सो दे वर फ्यू रैपर्स मोर विद मी, वहाँ पे और भी रैपर्स थे, बट दो दिन बाद मेरे को मेल आया कि सर लाइक योर स्टफ जो तुमने किया है, एंड आपको चेन्नई आके रिकॉर्ड करना है बियॉन्ड द क्लाउड्स के लिए. सो बियॉन्ड द क्लाउड्स के दो टाइटल ट्रैक मैंने दिए थे. वाओ, सो दैट्स हाउ इट, व्हाट एन अचीवमेंट सीरियसली. बट मुझे एक बात बताओ कि ये पूरी जर्नी में आपको किनका सपोर्ट मिला? डिड योर फैमिली सपोर्ट यू कि आप जो ये करना चाह रहे हैं, क्या उनका पूरा सपोर्ट था आपके साथ? नहीं, शुरू में जैसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाला जितनी भी फैमिलीज होती है और जिनका म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जिनको नॉलेज नहीं होता म्यूजिक का, फॉर देम म्यूजिक इज फन. सो फैमिली सपोर्ट तो मेरे को बहुत लेट में आया कि हाँ ठीक है, 28 उनको कन्विंस करना पड़ा. मैंने लेफ्ट माय होम, मैं कि अब मैं म्यूजिक ही बनाऊंगा, आई एम अ टेक इंजीनियर दो, बट मैंने कहा नहीं अभी इंजीनियरिंग तो होगी नहीं मुझसे. मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी फैमिली के लिए, एंड देन मैं अपना म्यूजिक में, मैं म्यूजिक कैरियर ऑप्ट करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया. सो वहाँ से देन आई स्टार्टेड, देन समीर सर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, देन देयर इज अ मैम, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, जिन्होंने मेरे को फर्स्ट म्यूजिक की जॉब दी थी, मैं रैप सिखाता हूँ धरवी में बच्चों को. सो वो आज तक सपोर्ट करती हैं, अभी तक वही सपोर्ट करती हैं. आप तो बहुत कमाल कर रहे हैं, और इससे पहले कि मैं आपको बाय बाय बोलूँ, मैं आपका सॉन्ग सुनना चाहूँगी. सो प्लीज परफॉर्म इट फॉर ऑल ऑफ अस हियर. And we would love to hear it. Definitely, I will perform Goom today. मैं Goom perform करने वाला हूँ. It's one of my close, like मेरे दिल के बहुत करीब है. And ये मेरे friend Ravatar ने मेरे साथ produce किया था. हम लोग studio में, हम room के अंदर बैठे थे. And he holded the guitar and he was playing the lute. और मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही हम करना चालू हुआ और रात रात में हमने पूरा गाना बना दिया. Next day we mixed mastered it and आज मैं ये गाना Goom आपके सामने perform करने वाला हूँ. Okay, let's hear it. Kehte the humko wo jana na humse door baahon mein rehte the milta tha उनको सुकून छूते थे जब सांसे होता था ये महसूस ना जाने क्यों हुआ तुमसे प्यार इतना क्यों हुए गुम वो गुम कई गुम साथ रोते थे मिलने को जो कभी आज ना करते वो बात है वो
सूजन सी होती है, अकेलेपन में बड़ी बने लाश है। उनकी दीवारों से हटे अब पीछे हमारे दीवार है। किया बर्बाद है खुद को खुद के लिए कुछ फैसलों से, फासले लेके वो आए हैं बने अनजाने वो हरकतों से। ख्वाब जो देखे थे ख्वाबों के साथ में ख्वाब ही रह गए, लफ्जों से होता बयाना ये दर्द का सिलसिला क्या कहे। What a wonderful performance, MC Heem. मैं तो यहाँ बैठे बैठे ग्रूव कर रही थी, इंजॉय कर रही थी टोटली। पर मैं यहाँ अकेली नहीं थी, मेरे साथ कोई और था जो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत, शायद मुझसे भी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। क्या आप जानना चाहते हैं कौन था वो? जरूर जरूर, प्लीज। सो द सरप्राइज फॉर यू इज राइट हियर, वी हैव तनिष्क बागची विद अस। व्हाट्स अप ब्रो? You killed it, man. फिर से तुमने फाड़ दिया। Thank you so much, brother. He rapped so well. Tarish, why don't you give him some tips? Tips क्या? ये तो खुद ही इतना सीखा हुआ है, ये जो कर रहा है ये तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन कुछ मसाला तुमको बोल सकता हूँ कि आजकल के दिन में क्या है ना, बीट्स तो स्लो हो गए हैं, लेकिन स्कैनिंग जो रैप का है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा फॉलो करो, तुम पे तो है ही सब कुछ। तुम और फाड़ोगे फिर। Thank you, brother. Thank you so much. The rock star himself is giving you all the advice. Thank you, MC Heem. Thank you. So, Tanishq, back to you. Tell me about Vaaste. How did the whole composition happen? And मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने composition you kind of made it during your college days. मतलब वही समझो, college days, struggle days. Right. And such a beautiful composition. पहले beautiful कोई बोलता नहीं था भाई ना। अच्छा। नहीं, इतना इसमें hook की तरह भाई, hook आता ही नहीं है। बहुत ही different formation है पूरे गाने का। You don't know when you make a song, वो आ जाता है, या तो emotion जब रहता है तब आता है, या तो गुस्सा जब रहता है तब आता है। So lyrics भी you had written something at that time? Yes, I started writing the first part, फिर उसके बाद अरफात जी ने लिखा, help किया मुझे, और फिर गाना बना। और गाना बहुत कमाल का बना, इतना melodious गाना बना, and yeah. A billion views, and not just that, Tanish. Now, you know, I'm seeing you super active. कभी-कभी दिख जाते हैं, जैसे आज दिख गए हमें. वरना he's always in his studio and he doesn't want anybody to disturb, which is a valid thing. क्योंकि आप तो कोई फोन आ जाता है ना, और लक कैसा है ना, जब काम करता हूँ तभी आता है फोन, जब बैठा हूँ तब फोन ही नहीं आता है. तो इसलिए आप फोन ही नहीं उठाते. वो एक रहता है, वाइब रहता है, बट नहीं फोन उठाता हूँ कभी-कभी. मेरा तो उठा लेते नहीं, बट मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इतने सारे सॉन्ग्स हुए एंड अब यू आल्सो कमिंग टू फीचर इन योर ओन सॉन्ग्स इन सिंगल्स, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग, एंड आई थिंक आजकल सभी सिंगर्स आर यू नो स्टेपिंग फॉरवर्ड, टेकिंग द फोरफ्रंट. मैं भी खुद काफी इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रही हूँ अब. सो हाउ डू यू फील अबाउट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? सो पहले तो क्या है, पहले तो डर था. हाँ. इसलिए मैं सामने आया ही नहीं. कैमरा देख के भाग जाता था, चाहे पिक्चर का रिलीज हो चाहे कुछ भी हो. हाँ, by the way, Tanish doesn't come for any promotions, any events. Basically, वो डर रह जाता है ना, जब एक्सेप्ट नहीं करते ना लोग, एंड फिर एक्सेप्ट करना स्टार्ट होता है तो यू हैव दैट फीलिंग कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैं कैसा दिखूंगा, तो वो मेरे को डर रहता था, इसलिए मैं छुपा रहता था. बट आई वुड थैंक मतलब टी सीरीज फर्स्ट, बिकॉज इन्होंने मुझे वो पुश किया करने के लिए. बस भूषण सर ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना कि तनिष देखो तुम्हारा फेस वैल्यू बनाना जरूरी है, क्योंकि लोग तुमको पहचानते ही नहीं है. गाना तो मुझे पसंद आता है लेकिन तुमको आना चाहिए सामने, तो वो एक बूस्ट मिल गया मुझे. सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इंडी म्यूजिक, बहुत सारे बैंड्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स पंजाब इंडस्ट्री बहुत सारे लोग हैं, एंड दे आर डूइंग सम ग्रेट म्यूजिक. सो हु इज योर फेवरेट अमंगस्ट द होल लॉट? सो आई हैव अ लॉट ऑफ फेवरेट सॉन्ग्स एंड फेवरेट आर्टिस्ट, बट I love Biprag. मुझे ये समझ में नहीं आई थी कि पंजाबी जो है वो म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें इंडी कोई फ्यूज कैसे कर सकता है. मैंने किस्मत आया, ठीक है, जानी का जो गाना था, फिर उसके बाद Biprag का मनबरी आया, तो आई वॉज फैसिनेटेड विद दिस फैक्ट कि रॉक और पंजाब एंड गिटार्स, सो ये कॉम्बिनेशन मुझे उधर देखिए तो मेरा हमेशा फेवरेट. सो दैट इज देयर, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग, एंड Biprag एंड जानी आर टेकिंग द होल सीन पंजाब में, तो रॉक कर ही रहे हैं. पर तनिष्क आप भी, यू आर इन द बिलियन गेम नाउ, एंड उसके बाद आपका एक और गाना जो हमने सुना, दैट वाज ना जा तू, वेयर यू कोलैबोरेटेड विद ध्वनि येट अगेन, एंड आई वांट टू हियर यू परफॉर्म दैट सॉन्ग. ना जा तू तो मेरे को याद नहीं है, सॉरी ध्वनि, लेकिन मुझे वास्ते याद है. okay. मैं वास्ते गा सकता हूं. बिल्कुल. वास्ते जावे दू मैं गवाई मावे दूं,
किस्मतों का लिखा मोर तुम बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूं छोड़ दूं तुमसे ज्यादा मैं ना जानू तुमसे खुद को मैं पहचानू तुमको बस मैं अपना मानू माहिया वास्ते जावे तू मैं गवा इमावे तू किस्मतों का लिखा मोर दूं वाओ I just felt कि मैं सुनती रहूं. So I want to know Tanishq, इतने सारे you know young talents आ रहे हैं और आपकी तरफ से क्या advice होने चाहिए उन सभी independent artists को जो शायद आप ही की तरह compose करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं. What would you like to give them as an as a piece of advice? Gemstone पहनो, बहुत काम आता है. देखो मैंने पहना. मजाक कर रहा हूँ. Honestly क्या है जो मैंने notice किया है बहुत सारे artists में एक तो है patience नहीं रहता. उन लोग को सब कुछ इमीडिएटली चाहिए फेम पैसा लिंक क्या होता है सबका टाइम आता है पेशेंस रहना चाहिए और डेडिकेशन रहना चाहिए. एग्जैक्टली आ गया ना लेकिन ये टाइम लाने के लिए ना मेहनत तो जरूरी है ही पेशेंस जरूरी है जेलसी जीरो होना पड़ेगा ईगो नीचे रखना पड़ेगा. ये चीज अगर किया ना किसी ने तो उसको कोई नहीं रोक सकता. थोड़ा टाइम आएगा थोड़ा लेट आए लेकिन आएगा और जब टाइम आएगा यू शाइन थ्रू यू शाइन इट. सो तनिष्क यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता और वहाँ का तो म्यूजिकल कल्चर बहुत ही ज़्यादा रिच है एंड ऑफ कोर्स फोक म्यूजिक. ऐसा कोई बंगाली फोक जिससे आप बहुत रिलेट करते हैं या आपने बहुत सुना हो व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप इयर्स? है तो बहुत सारे गाने. मेरा फेवरेट एक गाना है जो बेसिकली फ्यूज है तो वो बेसिकली बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल फ्यूज. यू नो मैंने एक चीज नोटिस की है अभी जब भी आप गाते हैं दिस इज आंख लाल हो जाती है. हाँ उसके लिए लगता हूँ मैं वो I think सफेद करने के नहीं आई थिंक ये इतने इमोशंस के साथ गाते हैं दैट इट इंस्टेंटली कनेक्ट्स एंड मैंने ऐसे लाइव आपको जिंदगी में जितने झटके होते हैं ना आंख लाल उसके वजह से होता है तो ये झटके खाए ना तो आज तानिश बागची बना. टोटली टोटली आई कैन रिलेट टू यू ऑन दैट बट अब इमोशनल नहीं होना है. वी आर गोना प्ले दिस गेम सो गेट रेडी लेट्स चेंज द मूड लेट्स गेट इनटू द वाइब. मैं गेम के रूल्स फटाफट आपको बता देती हूँ. सिंपल है. इट्स कॉल्ड थ्री थिंग्स गेम. सर रैपिड फायर जहाँ मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी और आपको उससे जुड़ी तीन चीजें मुझे बतानी है. तीन ऐसे साउंड्स जो आप उठने के 20 मिनट के अंदर सुनते हो. गंदे है बहुत बोल नहीं सकता. क्या नहीं बोल सकता बताना पड़ेगा. एक्चुअली यू नो व्हाट आई ईट अ लॉट इन द नाइट सो बहुत गैस हो जाता है पेट में समझ लो वो 20 सेकंड में उठ के वो ही होता है लेकिन और क्या हो सकता है साउंड. Okay. I can't control. आपको चिड़िया की आवाज कुछ और नहीं सुनाई देता. तनिष बागची को तनिष बागची के साउंड आते हैं तो वो नेचुरल है ना मेरे से निकला तो मैं क्या कर सकता हूँ. He is a self-obsessed musician. वो अपने ही बारे में सोचता है. I can't stop laughing on this one. Okay. तीन ऐसी चीजें जो आपके बेड साइड ड्रॉर में हमेशा होती हैं. मेरा एक रिकॉर्डर है जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ. लिया था बहुत साउंड रिकॉर्ड करने के लिए. वो रिकॉर्डर रहता है क्योंकि कुछ भी तो पता नहीं किंसन बता दो मैं ये चीज के लिए बताता हूँ. एक बार मैं रात को मैं सो रहा था और पता नहीं कोई गाना मेरे दिल में चल रहा था. मैं सोचा कोई गाना मतलब मैंने सुना है. मैं गा के उठा सुबह को तो सुबह को उठ के मैं सोचा ये गाना कहाँ सुना है. फिर मेरे को याद है मैं सपने में ही कंपोज कर रहा था कोई कॉम्पोजिशन. आई रिकॉर्डेड इट इन द मिडल ऑफ द नाइट. यस एंड आई कांट से व्हिच सॉन्ग इट इज. टेल मी प्लीज टेल अस व्हिच सॉन्ग. इट्स नाच मेरी रानी. आर यू सीरियस. The blockbuster नाच मेरी रानी. मेरे को ये हुक ना टट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 
ये सपने में बन गया था। मैंने रिकॉर्ड जो है ना, नाच मेरी रानी, ये रिकॉर्डर इसलिए मैंने रखा है कि भाई चंद्र के सपने में कोई ट्यून दे दे। ऑलराइट, थ्री सॉन्ग्स इन योर प्लेलिस्ट राइट नाउ। अच्छा, प्लेलिस्ट में ओके, देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड फील्स जो एक इंडिया आर्टिस्ट है, उसका नाम है कियारा। Okay. तो मुझे उसका टेक्सचर अच्छा लगता है, वो मैं सुनता हूँ। Feels. अच्छा, एक बैंड है थीव्स बोल के, अगेन ज़्यादा नाम नहीं, इनका मुझे साउंड अच्छा लगता है। एंड आई लाइक दिस ग्रुप कॉल्ड द येलो क्लॉज, जिसका मुझे अच्छा, ये तीन Alright. जो आर्टिस्ट मैं सुनता रहता हूँ बहुत। तीन ऐसे लोग जिनका बैंक बैलेंस आप जानना चाहते हैं। मुझे पता है सबका। सबका पता है? सबका पता है। अच्छा, सबका पता है। थ्री वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑन द शो टुडे।
बहुत अच्छा। मैं नहीं नहीं मैं डर के आया था, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मेरे मेरे फट जाते हैं क्राउड देख के। अभी पीछे जितने लोग हैं सबको देख के मेरी फट रही थी, लेकिन ना मैंने डिसाइड कर लिया जितने फटे ना आई हैव टू बी व्हाट आई एम। एग्जैक्टली। और मैं शो पे थी, यू एंड मी शेयर अ वाइब, तो नहीं आपका तो है ही कंफर्टेबल तो होना ही था 100%। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। चलो यस ऑलराइट, यू हैव टू रैंक देम इन द ऑर्डर ऑफ योर लाइकिंग। मैं कुछ सिंगर्स के नाम दूंगी आपको, दर्शन, जुबिन, अरमान। दर्शन, अरमान, जुबिन। ओके, द नेक्स्ट वन, रैंक देम इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस, नेहा, तुलसी, ध्वनि। स्किप कर दो इसको। नहीं, यू हैव टू गिव एन आंसर। देखो तीनों आर्टिस्ट ही अच्छे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग तीनों आर्टिस्ट अच्छे हैं। विथ यू तो आई विल बी डूइंग वन ब्लॉकबस्टर। ध्वनि के साथ यस अच्छा है, नेहा के साथ भी मैंने काम किया, दिल से जो मतलब काम हुआ है वो आपके साथ हुआ है, क्योंकि यू आस्क फॉर अ लॉट ऑफ एडवाइस, यू टेल मी हाउ आई शुड सिंग इट, दिस आर द कैटेगरीज, सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी गुड थिंग वर्किंग विथ यू। एंड ध्वनि का भी अच्छा है और नेहा तो किलिंग द सीन। एग्जैक्टली। आप तो छा गए तनिष्क विद ऑल योर लवली आंसर्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन इंडी है हम विथ मी। एंड इससे पहले कि आप जाओ और अपने चार्ट बस्टर्स बनाने कंटिन्यू करो, आई जस्ट वांट यू टू गिव अस एन ऑटोग्राफ, अ डिजिटल ऑटोग्राफ राइट हियर। मुझे बहुत मजा आया आज के एपिसोड पे, आई होप आप सबने भी इंजॉय किया होगा। मैं आप सबसे अगले हफ्ते मिलती हूँ विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ टी सीरीज एंड रेड एफ एम प्रेजेंट्स इंडी है हम Season 2. And don't forget to tune in to Red FM to listen to our show. Also calling out all the independent musicians ki aap aaye comment section mein aake apne music ke bare mein hame bataye. Aur mujhse kuch bhi puchna ho to mere social media handles par jaye, hashtag ask Tulsi Kumar ke saath Red FM T-Series ko tag karke apna question puche. And looking forward to hear from all of you. Be good. Goodbye. This is me, Tulsi Kumar, signing off.